तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। तो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एहसान और आप देख रहे हैं इजी वे फॉर एंड्रॉइड। तो गाइस, कुछ दिन पहले मुझे एक मसला हुआ कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था यूट्यूब पर, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन लंबी सारी डालनी थी, तो मेरा कीबोर्ड बहुत ही स्लो चल रहा था, यानी कि हैंग हो रहा था कीबोर्ड, बहुत ही स्लो वर्किंग कर रहा था। तो मैं उसका मसला आज आपको यहाँ इसी वीडियो में ब्रीफली से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल इजी वे एंड्रॉइड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, मैं आपको पहले प्रूफ के लिए बता दूं कि कीबोर्ड, ये वाला कीबोर्ड है जीबोर्ड, इसे जीबोर्ड कीबोर्ड कहते हैं। तो गाइस, ये जब हम ये टाइप करते हैं तो ऊपर बहुत ही देर बाद शो होता है। तो गैस, मेरा तो अब ये सही हो गया। अब तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये कैसे सही किया। तो आपको सबसे पहले दोस्तों, ये सही करने के लिए सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे चले जाने के बाद आपने सर्च करना है ऐप्स। ये देखिए, आप ऐप्स देख सकते हैं। ऐप्स के अंदर आपने चले जाना है। ऐप्स के अंदर चले जाने के बाद दोस्तों, आपने सर्च करना है जीबोर्ड। दोस्तों यह देखें, आप देख सकते हैं 170 MB जीबोर्ड। आपने यहाँ सिंपली प्रेस कर लेना है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों, आपने सिंपली स्टोरेज नज़र आ रहा होगा, डाटा यूजेज नज़र आ रहा होगा, परमिशन नज़र आ रहा होगा, नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा, ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, बैटरी, मेमोरी नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली पहले वाली स्टोरेज को प्रेस करना है। स्टोरेज को प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ क्लियर कैश होता है। दोस्तों, आपका क्लियर कैश 0.14, यानी कि आपका 0.00 से बढ़कर होगा। तो दोस्तों, आपने सिंपली उसको क्लियर कैश पे प्रेस करना है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अंडरलाइन करके, यहाँ क्लियर कैश होता है। आपने सिंपली उसको क्लियर कैश को प्रेस करना है और ओके कर देना है, तो इससे आपका क्लियर कैश हो जाएगा। तो दोस्तों, आप फिर अपने गूगल पे टाइप करके देख सकते हैं कि आपको ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही जैसे मेरा नहीं चल रहा, बहुत ही फास्ट ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर दोस्तों ऐसे भी आपका नहीं सही वाला चल रहा, तो दोबारा आप सेटिंग पे चल जाएँ और दोबारा आप ऐप्स पे चल जाएँ। और दोबारा ऐप्स पे चले जाने के बाद दोस्तों, आप दोबारा जीबोर्ड ढूंढें। जीबोर्ड ढूंढने के बाद दोस्तों, आपने दोबारा स्टोरेज को प्रेस करना। स्टोरेज को प्रेस करने के बाद दोस्तों, अगर आपका क्लियर कैश को करने के बाद, यानी कि 0.00B होने के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि आपका फिर भी बहुत ही हैंग कर रहा है, बहुत ही स्लो वर्किंग कर रहा है, तो दोस्तों आप क्लियर डाटा है। ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्लियर डाटा। दोस्तों, आपने सिंपली इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करके दोस्तों, यहाँ ये डिलीट आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली दोस्तों डिलीट को दबाना, तो ये क्लियर डाटा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये शुरू से न्यू हो जाएगा ये जीबोर्ड, यानी कि फिर तो आपका बिल्कुल भी नहीं ऐसे हैंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं स्लो वर्किंग करेगा। तो दोस्तों, मैं नहीं ये क्लियर डाटा यानी कि डिलीट करने वाला, क्योंकि दोस्तों मेरा ये ऑलरेडी ये काम मुकम्मल हो चुका है, मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है। यानी कि ये देखें दोस्तों, मेरा बहुत ही फास्ट वर्किंग कर रहा है, तो मैं नहीं क्लियर डाटा करने वाला। अगर आपका दोस्तों नहीं फास्ट वर्किंग कर रहा, तो आप क्लियर डाटा करके अपने जीबोर्ड को बहुत ही फास्ट कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल इजी वे एंड्रॉइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा सकते हैं कि ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप हवावे मीडियापैड M3 को ही बाय करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो इस टैबलेट में दोस्तों, आपको 4GB 64GB में मिलने वाली, 3GB 32GB में मिलने वाली है, और बहुत ही सस्ते रेट में। दोस्तों, मैं आपका इसको रिव्यूइंग करवाने वाला हूँ ये अगली नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो पीस ऑफ हार्ट।